हाय एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के साथ अपने ट्यूसडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इससे पहले जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था वो ट्यूसडे मॉर्निंग तक का था, और उसमें सिर्फ मैंने बाबू के लिए क्रिसमस ट्री बनाया था घर में ही। तो वो मैंने बस आप सभी को दिखाया था थोड़ा सा, बाकी और कुछ मैंने शूट नहीं किया था। तो उसके बाद जो मैंने शूट किया था वो सारा ये वीडियो क्लिप है। तो अभी कल, इससे पहले वाला कल इतना, मतलब इतना ज़्यादा नेटवर्क ख़राब था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। इस वजह से थोड़ा सा ये जो ब्लॉग है मेरा लेट जाएगा, पर कोई बात नहीं, आज नेटवर्क अच्छा है तो मैं आज सोच रही हूँ उसको शेयर कर दूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, 11:15 के आसपास हो रहा होगा। मैंने नहावा लिया है और धूप थोड़ा सा अच्छा खासा निकला हुआ था, तो मैंने कपड़े भी धुल के डाल दिए सारे, क्योंकि अगर नहीं धोती तो दोपहर का खाना बनाने के बाद धोती तो और टाइम लगता सूखने में। तो इस वजह से मैंने उसको जल्दी धो दिया, और धो लेने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे किचन में। तो दोपहर का खाना बनाना है, फिलहाल मैं अभी बना रही हूँ सूप। तो आजकल धूप जो है 2-2 दिनों पर ही दर्शन देता है, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 1 दिन दर्शन देता है। तो कपड़े भी 2 दिन लग ही जाते हैं सूखने में, तो कपड़े तो मैंने डाल लिए हैं। और यहाँ पे सूप मैं बना रही हूँ पापा जी के लिए, तो वो आज गए थे कैंटीन। तो आने के बाद जो है सुबह में, वो सुबह सुबह ही चले गए थे क्योंकि कैंटीन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो जल्दी, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी नंबर आएगा, इस चक्कर में वो सुबह बस चाय वाय पीकर चले गए थे। तो नाश्ता उन्होंने नहीं किया था, तो यहाँ पे वो आ चुके हैं। और लगभग 11:15 ऐसे ही हो गया होगा टाइम, मतलब 12 बज ही रहा होगा। तो मैंने सोचा कि अभी क्या दूँ उनको, ठंडी का टाइम है, तो ये मैं सूप उनको दे रही हूँ। और ये वो सूप है जिसमें थोड़ा सा नूडल्स भी मिक्स होता है, तो वो वाला है ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं फर्स्ट टाइम लाई थी और यही वाला मैंने बनाया है। तो पूरा नहीं, पूरा पैकेट मैंने नहीं बनाया है, थोड़ा सा रहने दिया है, सिर्फ पापा जी लिए ही बनाया है इतना। तो ये मैं उनको देने जा रही हूँ, और ये देखिए किस तरीके का दिख रहा है ये। और उस तरफ रखा हुआ है घी, तो घी मक्खन जो मैंने निकाल के रखा था उसको मैंने रख दिया था बनने के लिए नाश्ता बनाने के बाद ही, तो वो बन चुका है, तो वो बन गया है। और इधर मैंने कढ़ाई रख दिया है, तो आज खाने में बनाना है सोयाबीन और आलू की सब्जी और चावल। तो बहुत दिनों से क्या था कि हरी सब्जी खा खा के ना, इसकी दादी मतलब बोल रही थी कि मन उब गया है, थोड़ा आलू और सोयाबीन बनाओ, बहुत टाइम हो गया है खाए। तो ऐसा सच में होता है ना, आप लोग भी बताना कि आप लोग के साथ भी होता है, हरी सब्जी खाते खाते सच में मन उब जाता है, लगता है कि आलू चना खाते हैं या फिर आलू सोयाबीन। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि हो जाता है 10-15 दिन, तो 10-15 दिन से ज़्यादा ही हो जाता है, तो कभी ये आलू चना या फिर आलू सोयाबीन बना लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए मसाला लिया था, क्या लिया था, लाल मिर्च लिया था और काली मिर्च, जीरा, थोड़ा सा धनिया और लहसुन, हल्दी, अदरक थोड़ा सा, यही सब मैंने मसाला ले लिया था। और पीस लूँगी मैं उसको मिक्सी में। और यहाँ पे सोयाबीन को क्या किया था कि मैंने सुबह में ही पानी में रख दिया था फूलने के लिए, तो ये अच्छे से फूल चुका है। और आलू भी मैंने सुबह में ही बॉयल कर लिया था नाश्ता बनाने के बाद, तो इनको अभी मैं तेल में सोयाबीन को हल्का सा नमक डाल के इनको अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद आलू भी भून लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको भून लिया है, और अब थोड़ा सा और तेल डाल के और आलू को भी मैं भून लूँगी। और मसाला देखिए मैंने पीस के रख लिया है, तो मुझे आलू सोयाबीन या फिर आलू चना और सोयाबीन की जो सब्जी बनती है सब बहुत पसंद आती है, मुझे भी अच्छा लगता है और घर में भी लगता है कि सभी लोगों को अच्छा ही लगता है। तो ये मैं बना रही हूँ, और ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो इसके साथ दाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दादी इसकी बोली बाबू की कि रहने देना, दाल ग्रेवी वाली सब्जी बना देना अच्छा खासा, तो वही मैं बना रही हूँ। और सच में मैं बता रही हूँ सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। और देखिए यहाँ पे नमक डाल के थोड़ा सा आलूओं को भी अच्छे से मैंने भून लिया है, तो ये नया वाला आलू है, और इसके साथ आलू सोयाबीन की सब्जी और भी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इस तरीके से मैंने इनको दोनों को भून लिया है, और अब मैं इसमें वापस से तेल डालूंगी। और तेल डालने के बाद उसमें जीरा, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा लाल मिर्च, तेज पत्ता डालूंगी। ये सब डाल के उनको हल्का सा भून लेने के बाद फिर मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, और प्याज को भी भून लूंगी। तो इसी तरीके से, वैसे तो आप सब बनाती ही होंगी, मैं कुछ स्पेशल या फिर अलग से कुछ नहीं बना रही हूँ, बस बना रही हूँ तो बता रही मैं, और कुछ नहीं। तो प्याज डाल दिया है, और प्याज डाल के इसको हल्का सा, तो इसमें मैं
पीस कर, कभी जैसे होता है ना ग्रेवी हम और किसी चीज़ के लिए पीस लेते हैं टमाटर और प्याज को, उस तरीके से मैं नहीं बनाती हूँ। बस डायरेक्ट इस तरीके से प्याज और टमाटर को मैं तेल में अच्छे से पका लेती हूँ। उसके बाद जो मसाला मैंने पीस के रखा है उसको इसमें डाल लूँगी और बस अच्छी खासी ग्रेवी बन जाती है इससे। तो बस जो लगा हुआ था और मिक्सी के जार में मसाला सब मैंने ले लिया है इसमें पानी के साथ। अब मसाले को अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे, और नमक मैंने आलू में और सोयाबीन में दोनों में डाल दिया था साथ ही में, मतलब भूनते वक्त डाल दिया था और बराबर डाल दिया था। अभी मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी, और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार। मसाला तो पक ही गया है, सब्जी भी अच्छे से भून चुकी है, पक चुका है, तो बस मुझे थोड़ा सा ग्रेवी को अच्छे से पका लेना होगा। तो पानी मैं उसके हिसाब से डाल दूंगी। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा हरा मिर्च डाल दिया है, और अभी इनको डाल के अच्छे से मिक्स करके और इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो यहाँ पे सब्जी जो है देखिए बन चुका है, जैसी ग्रेवी मुझे चाहिए थी वैसी ग्रेवी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, और बस गैस को ऑफ कर दूंगी इसको चला के। और मुझे आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसके साथ मुझे दाल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और उधर मेरा चावल भी बन चुका है, तो मैंने एक तरफ चावल रख दिया था सब्जी चौंकने के बाद, और चावल भी बन गया है, और थोड़ा सा हरा धनिया का चटनी भी मैंने बना लिया था। तो ये देखिए ये है मेरी सब्जी, टेस्टी लग रही है ना देखने में, खाने में भी टेस्टी थी बहुत ज़्यादा, मैं खुद ही से बोल रही हूँ, सच में बहुत टेस्टी थी। और थोड़ा सा धनिया मैंने प्लास्टिक में रैप करके रख दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा था। और ये है मेथी, इसको मैंने दूर भिगो के रख दिया है लड्डू, गर्म लड्डू बनाने के लिए।
तो इसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। और ये है शाम के टाइम का, तो शाम के टाइम का मतलब जो रात का खाना बनता है ना उस टाइम का है। तो एक तरफ मैं बना रही थी रात का खाना और दूसरी तरफ इसकी दादी, ये है चावल का आटा और इसमें है थोड़ा सा गेहूं का आटा। मतलब तीन भाग है चावल का आटा तो एक भाग है गेहूं का आटा। इसको इन्होंने ना घी में भून लिया था उसी कढ़ाई में, और उसके बाद उसमें घी डाल के और जो ये है गोंद है इसको वो तल रही हैं। तो कुछ भी मेजर करके तो हम लोग नहीं करते हैं, बस अंदाजे से करते हैं। और इसकी दादी भी सब कुछ अंदाजे से ही करी थी, तो मैं आपको इसकी क्वांटिटी नहीं बता सकती। मैं कभी बना के आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी अगर आप लोग कभी बोलोगे तो। लेकिन अभी तो खैर अंदाजे से सारा काम होता है हम लोग का। मैं भी बहुत सारा काम अंदाजे से ही इस तरीके का करती हूँ। तो बस वही सब देखिए तल लेंगे, और उसके बाद इसमें बादाम, मूंगफली और काजू और ये क्या बोलते हैं अखरोट और मूंगफली, ये सब कुछ इसमें इसी तरीके से घी में छान छान के निकाल ली थी। और उसके बाद मखाना और किशमिश और नारियल और छुहाड़ा थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ही काट के डाला हुआ है इसमें। और क्या था इसमें, अजवाइन था, अजवाइन को भी घी में भुना गया था। और जो मेथी दूध में मैंने भिगो के रखा है उसको भी मैंने मिक्सी में पीस के इनको दिया था, उसको भी उन्होंने घी में भून लिया था। उसके बाद सौंठ था, सौंठ सौंठ को भी कूट के पाउडर बना के उसको भी घी में भुना गया था। उसके बाद ये अलसी है, अलसी मतलब तीसी हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, तीसी को भी घी में भून के और उस सबको मिक्सी में देखिए इस तरीके से मैंने ही पीस पीस के इसमें मिलाया था। तो एक तरफ मेरी सब्जी जो है पालक आलू की सब्जी मैं बना रही थी और बैगन की, तो मेरी सब्जी बन रही थी और उसके बीच में मैं ये सब पीस पीस के इनको दे रही थी और बस यही। और यहाँ पे देखिए पाक बन रहा है, उधर मैं बना रही हूँ रोटी। तो इसके बाद मैं कुछ सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि रोटी बना रही थी, तो इसके दादा दादी मिलके लड्डू बांध दिए और मैं सूट नहीं कर पाई, रोटी बनाने में लगी हुई थी। तो देखिए ये लड्डू बन के तैयार है और ये बहुत फायदे, इसमें सरसों का तेल, हल्दी, अजवाइन और बहुत सारा कुछ मिला हुआ है, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, सभी को खाना चाहिए। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यही था, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।